हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले वर्ल्ड कप 2019 से पहले खेले जाने वाले वार्म अप मैचों के पूरे शेड्यूल के बारे में, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारे मुकाबले के टाइमिंग, टेलीकास्ट और वेन्यू के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप 30 मई 2019 से लेकर 14 जुलाई 2019 के बीच खेला जाएगा, जिसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन उससे पहले सभी 10 टीमों को वार्म अप मैचों को खेलने को मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ल्ड कप 2019 से पहले खेलने जाने वाले वार्म अप मैचों के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों पहला मुकाबला खेला जाएगा 24 मई 2019 को, जो की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा। दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा ब्रिस्टल के ग्राउंड में। और वही बात की इस मुकाबले की टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों इसी दिन दूसरा मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, जो की कार्डिफ के ग्राउंड में होगा। दोस्तों वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों तीसरा मुकाबला खेला जाएगा 25 मई 2019 को, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा साउथहैम्पटन में। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों उसी दिन खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला, जो की लंदन के ग्राउंड में होगा। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों पांचवा मुकाबला खेला जाएगा 26 मई 2019 को, जो की बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होगा। दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा कार्डिफ के ग्राउंड में। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों उसी दिन खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, जो कि ब्रिस्टल के ग्राउंड में होगा। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों सातवां मुकाबला खेला जाएगा 27 मई 2019 को, जो की ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होगा। दोस्तों यह मुकाबला खेला जाएगा साउथहैम्पटन में। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों उसी दिन खेला जाएगा इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला, जो कि लंदन के ग्राउंड में होगा। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों जबकि नौवां मुकाबला खेला जाएगा बांग्लादेश और इंडिया के बीच, जो कि कार्डिफ के ग्राउंड में होगा। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों उसी दिन खेला जाएगा न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला, जो कि ब्रिस्टल के ग्राउंड में होगा। और वही बात की इस मुकाबले के टाइमिंग के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा दोपहर को 3 बजे से। दोस्तों वही बात की इन सभी मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट के बारे में, तो इंडिया में यह मुकाबला देखने को मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।